want my money back! सारिम कितने अरसे के लिए हुआ है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? फिलहाल तो एक साल के लिए हुआ है, लेकिन एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इतने में तो मेरी रेजिडेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ रहकर। क्या मतलब भाभी, आप नहीं जा रही भाई के साथ? मैं क्यों जाऊंगी, नौकरी तुम्हारे भैया की हुई है, वे ही जाएंगे वहाँ पर। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तुम यहाँ रहोगी? हाँ, बाऊजान और चचीज के साथ। तुम कुछ ऐसे में यहाँ चक्कर लगाते रहना। चलो भाई, अब बजाओ बैंड। ये प्रॉब्लम है, जब कोई बात करने खड़ा हो कोई ना कोई पेड़ से टपक पड़ता है पके हुए आम की तरह। तुम्हें टाइम का इशू है ना, मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज तुम ये मुल्क से बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकालो। तुम कयामत तक इस घर में टाइम मैनेज नहीं कर सकती हो। तुम इस वजह से जाना चाहते हो? तारा, मेरी जॉब लगी है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा ही खानदान है, मुझे परवाह है इनकी। यार हाशु और रोमी भी अलग हो रहे, हम दोनों भी चले गए तो कयामत नहीं आ जाएगी। अब तुम देखो वो टिड्डा कैसे चला गया, पता नहीं बाऊजान को कैसे बना लिया उसने, उसी से कुछ सीख लो तुम यार। घर छुड़वा रही है यार, क्योंकि स्पेस चाहिए उसको फुदकने के लिए। तुम अगर नहीं जाना चाहते तो समझाओ ना उसे। अब मैं समझा लिया चांद भाई को, समझेंगे भी नहीं, दोनों में बिल्कुल सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अल्लाह जाने कौन सा कचरा भर गया दोनों के दिमाग में। बात लड़के लड़की की नहीं, एहसास की है। अगर चांद को अपना करियर अजीज है और रूमी को अपनी प्राइवेसी, तो हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारे। तो आपने इसलिए उन दो स्टार्स को अलग किया? आपको ये सबके सामने बात बतानी चाहिए थी ना बाबू। क्या बताता भाई, अगर वो हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। पर मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही होता है। क्यों बाबूजान, लेकिन मैं आपकी बहू हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन यहाँ तो आपके कपल गोल सेट होने की बात हो रही है। ये सेटिंग तो 2 साल से चल रही है। मतलब कि कभी फ्यूज हो जाता है सेटिंग का, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है वायरिंग में, और फिर से कोई लॉट काम चलने लगता है। मतलब कि मैं तसल्ली रखूं? किस बात की? यानी कि जब तक डॉलर और पिंकी की ट्यूशन चल रही है, मेरी चाय की सप्लाई बननी होगी। मुझे नहीं जाना सारे। अपने घर नहीं जाना? आइलैंड नहीं जाना है मुझे। तुम ही अकेले रह लोगी मेरे बगैर? सारे में 1 साल की तो बात है, और फिर सब है ना मेरे साथ। और मैं कैसे रहूंगा अकेले वहां, ये सोचा है तुमने? तुम इसीलिए तो कह रही हो, मत जाओ ना, यहीं कोई जॉब तलाश कर लो। जा रहा है बेटा। अब्बा मैं कैसे रहूंगा अकेला? स्वीट टू, मैं हूं ना, हम रह लेंगे अकेले। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी आपने इनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं दे दें, बाकी ये खुद समझदार है। रूमी बेटा, ये सुबह सुबह ना देसी घी वाला पराठा, ऑमलेट और चाय के अंदर बाला ही डालकर पीता है। खुद ही बना लेगा और बॉइल्ड राइस पे शक्कर डाल के खाता है। स्वीट टू, इंसानों की तरह बाइक भी नहीं चला। और प्लीज इससे सब्जी और फ्रूट तो बिल्कुल मत मंगाना, गली सड़ी उठा के ले आएगा। ओके, बस बस, बाकी बातें इसे खुद मालूम हो जाएंगी। गाइस, तारा भाभी फेल हो गई है। क्या? मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो कहते हैं मट्टी के एक्सपीरियंस को मट्टी के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। हेलो, ये सारी मनहूस खबरें आज ही मिलनी थी क्या? पर कैसे फेल हो गई? अरे जैसे मैं फेल हुआ था। मैं एक काम करती हूँ, तारा भाभी से पूछ के आती हूँ। अरे पहले हम ही तो रुख्सत कर दें आप लोग। अरे कोई नहीं पूछेगा, उसके जख्मों पर नमक पाशी करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं कुछ कहेगा उसके बारे में। चलो भाई, तुम लोग अपना सामान बांधो, चलो अब ये सैड सीन ड्रैग ना करो। ये चलो, झगड़ा वगड़ा नहीं करना, अपना ख्याल रखना। चलो निकलो, अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? तो क्या दुल्हन की तरह रो रहे हो, चलो भाई। तो आप बेटा आज क्यों था तुम्हें? आउट जंग पे थोड़ी बेल रहे, तो सबका परेशान क्या हुआ? और नहीं जाना। अरे भाई, मम्मा मुझे क्यों ब्लेम कर रही है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। अरे तुम्हारे ही तो कसूर है, तुम्हारे खानदान की खिदमतों के चक्कर में पहली बार फेल हुई है वो। अरे लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर राजिया की बेटी ने अपने एग्जाम क्लियर नहीं किया। मम्मा आई स्वेयर, मैंने से बहुत दफा कहा था कि अपने एग्जाम्स पे फोकस करो, इसने मेरी एक नहीं सुनी। सारे मुझे हर कीमत पर अपनी बेटी के एग्जाम्स क्लियर चाहिए, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जी, खुदा हाफिज़।
लगवा दी ना तुमने मेरी क्लास, तुम्हारा जुलूस तो वो आकर निकालेंगे यार। इस बार क्लियर नहीं किया तो क्या हुआ, अगली बार कर लूंगी। अब अगली बार अब आयरलैंड जाके ही होगा। मुझे नहीं जाना है सारे, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ अकेले रहकर तुम कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकती। उतारा मैं अकेले कहाँ, वो सब लोग हैं ना मेरे साथ। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर तुम्हें फेल कराया। तुम बार बार सबको ब्लेम क्यों कर रहे हो? अगर इस बार क्लियर नहीं किया तो 6 माह बाद दे दूंगी एग्जाम। हाँ, लेकिन 6 महीने तुम अब यहाँ नहीं रुकोगे। अच्छा, फिर कहाँ रहूंगी? अपनी मम्मा के पास जाओगी, एग्जाम्स की तैयारी तुम वहीं करोगी। अब तुम इसके लिए मुझे इस घर से निकाल रहे हो? तुम जो भी समझो, तुम्हें एग्जाम हर कीमत पर पास करना है और वो इस घर में रहते हुए नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ। अरे अभी क्यों चली जाती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे सारे मतलब ना मुझे अच्छे से समझ आ रहे हैं। अरे तुम अकेली क्या करोगी वहाँ पर अभी यार? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसका प्रॉब्लम है? अरे मुझसे तो शादी हुई है तुम्हारी, ये क्या बात हुई यार? यार तारा क्या बचपना है। तारा मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अरे तुम अकेली रहोगी कैसे? मुझे आदत है, बचपन से मैं अकेले ही रही। हाँ लेकिन मुझे आदत नहीं है यार, ये बैंड बंद करा दो भाई, बात कर रहा हूँ मैं। तो आदत डाल लो, क्योंकि आइलैंड जाके तो तुमने अकेले रहना। अच्छा तो ये बोलो ना कि बहाना बना के भागना चाहती हूँ यहाँ से, ताकि मेरे साथ जाना ना पड़े। मैं ये बैंड तोड़ दूंगा आगे। ये बैंड तोड़ने के बजाय ना अपना सर तोड़ लो जिससे भूसा भरा हुआ है। मुझसे किस तरह बात कर रही है? इतना बड़ा हूँ मैं इससे। सुनो स्वीटू, पैसे दो राइड के। तुमने राइड बुक कराई है? तुम दो टफर। मुझे कहा आपने? आपको क्यों कहूंगी, आपने स्वीटू को कहा है? स्वीटू तो आपका अटैची लेके चला गया। तो क्या हुआ, बेबी भी चली जाएगी? बेबी? बेबी तो घर पे है, वो भी 4 साल की। एक्सक्यूज मी, बेबी मी माई सेल्फ रूमी मलिक, कितने पैसे हुए आपके? 950। ये ले पूरे 1000। क्या याद रखेंगे आप कि रूमी मलिक से वास्ता पड़ा था आपका, फेमस टिकटॉकर, याद रखिएगा। 50 रुपए का एहसान, अल्लाह ने भी पता नहीं कैसे कैसे सैंपल पैदा किए। स्वीटू, 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 वेट, स्वीटू भाग क्यों रहे मुझसे? तारा, तारा मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मत जाओ। मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ, मत जाओ। यार मेरे फ्यूचर का मामला है। मेरी जिंदगी का मामला है यार। तुम्हारी जिंदगी तो मैं हूँ। पता चल गया मुझे, तुम भी जिंदगी की तरह नाकाबिले एतबार। तारा, तारा मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? ये तुमने क्या 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हो? जाओ, 1 हफ्ते की छुट्टी है तुम्हारी, अपनी शक्ल मत दिखाना तुम, और अपने फोन भी बंद कर लेना। आंखों आंखों में निगलने का प्लान है? तुम्हें निकल कर क्या करूंगा, तेरा लकड़ियां से मैदा थोड़ी है मेरा, इतनी आसानी से नहीं हजम होगी। तुम कुछ भी कहो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना मूड बिल्कुल नहीं खराब करूंगी। इससे ज्यादा क्या मूड खराब होगा। अच्छा छोड़ो, स्वीटू हमारा फ्लैट कैसा है? अमेरिका का व्हाइट पैलेस देखा है? ये छोड़ो व्हाइट पैलेस, ताजमहल तो देखा है ना? हाँ। बिल्कुल सेम, डिटो कॉपी। ओह माय गॉड स्वीटू, फिर तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। वैसे जहाँ पे भी मैं और तुम हो, वो जगह ताजमहल से कम हो ही नहीं सकती। काश तुम्हारा मकबरा भी बना सकता वहाँ। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले ही मुरझा गई। बहुत पछताओगी तुम, बता रहा हूँ कसम। शट अप स्वीटू। बे आँख खुली रही है। सीढ़ियों से चले, मैं और तुम कम ऑन स्वीट। नहीं रूमी। स्वीटू। आगे 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 आगे। Hi guys, this is Rumi Malik, और ये है हमारी छोटी सी जन्नत। ना यहाँ पे बिल है, ना सिन है, ना मिल है, ना पिल है, तो ऑल इन ऑल नो इन लॉज। तो मतलब इतना सारा टाइम होगा, मैं इतनी सारी व्लॉगिंग करूंगी आपके लिए। सी, ये हमारा छोटा सा लाउंज है, क्यूट सोफा एंड द किचन, इतने मजे का है। इसमें हॉट प्लेट भी है, माइक्रोवेव भी है। इवन तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो इतनी फूड डिलीवरीज कराएंगे, कोई हमें रोकने वाला ही नहीं है। स्वीटू, तो अपने फैंस के लिए कुछ कहोगे? हाँ, ये मेरे लिए जन्नत नहीं, जान लो मैं।
मजाक कर रहा है, किडिंग भाई। सुनो तुम, सुनो के बच्चे, तुम जानने के दरोगा हो, तुम्हें पता है? तो पता तुम कौन हो? माओ से बच्चे छीनने वाली डायन जालिम। मैंने कौन से माओ के बच्चे छीन लिए हैं? मैं, मेरी अम्मी का बच्चा हाशिर सलीम। हाशिर सलीम माय पुट, स्वीटू हो तुम, स्वीटू मत गिरो। नहीं, मैं हाशिर सलीम हूँ। मैं खाली घर में ले आई है। मामा, वो तारा घर छोड़ के चली गई है। शुक्र है किसी बहाने निकली तो सही घर से। अगर बाबूजान को पता चल गया तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। अरे बेटा, कह देना उनसे कि अपने पेपर की तैयारी करने गई है। मैं कैसे रहूंगा लेकिन तारा के बगैर? अभी वीजा आने में भी कुछ दिन बाकी है ना। अरे बेटा, तुम भी चले जाओ हमारे घर। अच्छा है, इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ आराम से बात करने का मौका मिल जाएगा। मतलब ये इंजीनियर साहब के जाकर अपनी बीवी के दिमाग में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, हो सकता है पुरानी विंडो उड़ जाए। अरे आपकी वाली विंडो इंस्टॉल्ड है, उसके अंदर इतनी आसानी से नहीं उड़ेगी। मतलब क्या तुम्हारा इस बात से? मेरा मतलब है कि वो इतनी आसानी से जाएगी नहीं ना, बाहर राजी नहीं होगी जाने के लिए। अरे बेटा, अगर घर से चली गई है ना तो मुल्क से भी बाहर चली जाएगी, और खबरदार अभी उसे फौरन मना कर लाने की जरूरत नहीं है। चलें ठीक है, फिर मैं जाता हूँ तारा के पीछे। खुदा हाफिज। मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, फेल हो गई आपकी बहू और इसी घर में चली गई है मैं के कुछ दिनों के लिए। अरे तो तुम यहाँ खड़े सुख चैन की बंसरी क्यों बजा रहे हो? जाओ उसको मना कर लाओ और बताओ कि तुम भी फेल हो चुके हो। कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा का खौफ करें बाबूजान, यहाँ किसी को पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान स्टडीज में फेल हो गया था। इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है तुम्हारी जैसी यंग जनरेशन की वजह से। आप इसका इल्ज़ाम भी हमारी जनरेशन पर ही डाल दें। मैं जा रहा हूँ तारा के घर। जाओ, कहाँ ऊपर कहाँ जा रहे हो? अरे कपड़े तो लेंगे यार भाई, कपड़े पहन के जाओगे। जाओ, कैसे लोग हैं, कैसा इश्क है ये। अरे गुल्लो नाराज हो गए थे, अब तो नंगे पैर ही भाग पड़े थे उसको मनाने के लिए। भी कपड़े पहन के जाएंगे, थ्री पीस सूट पहन के मनाने के लिए। बहुत अच्छा। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। रजिया इधर आओ। जी। वो नीचे दरवाजा मत खोलना। खैर तो है तारा बीबी? हाँ, कोई मांगने वाला आया, अभी देखा मैंने कैमरे में। रात के वक्त किसी को दर से खाली नहीं लौटाते तारा बीबी। इससे पहले कि तारा बीबी आपको तारे दिखा दे, आप जाइए और जाके सो जाइए। हाय स्वीटू, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम लोग शिफ्ट हो गए। तू जंगली कबूतर, क्या कर रहे हो? यकीन दिला रहा हूँ कि शिफ्ट हो गए। तुम ना अपना मुंह ठीक करो, परमानेंट डिजाइन बन जाएगा ये शक्ल का। फिर भी तुम्हारे थोपड़े से बेहतर होगा। इसी थोपड़े पे मरे थे तुम। काश सचमुच में ही मर जाता था। Shut up, sweet you. क्या पागल हो गई हो, क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो? तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी है तुम पे? कयामत से बढ़कर है किसी को अपनों से दूर करना। तो मैं क्या हूँ तुम्हारी? फिलहाल तो दुश्मन जहाँ लग रही हो। चुप, कहो जो कहना है। आज तो मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। पर पकौड़े बना दो यार। पहले मुस्कुराओ फिर बनाऊंगी। क्या अजाब हो यार। जो भी कहना कह दे स्वीटी, तुमको एहसास हूँ मौत है। टिकटॉक की दुनिया से निकल आओ प्लीज। क्यों निकल आऊँ, अभी तो हमारा वक्त आया स्वीटू। हमें इतने टिकटॉक्स बनाएंगे, इतने व्लॉग्स बनाएंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। स्वीटू तुम तो सच में टेंशन में आ गए हो। मैं करती हूँ ना पकौड़े ऑर्डर, ड्रमस्टिक्स भी ऑर्डर करूँ तुम्हारे पैसों से? साहब, आप तारा बीबी बता रही थी कोई फकीर आया है। चांद और तारा एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हैं।
हेलो सर, इतनी रात को आपकी कॉल, खैरियत? जी, चाय की तलब ने उठा दिया। आपको सोते हुए भी चाय की तलब होती है? तलब से ज्यादा हैरत हुई है मुझे आज, जब भी फोन किया। किस बात की? एक शेर है वसी शाह का, दो के बजाय चाय बनाई है एक कप, अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया। इसका क्या मतलब था? से पूछना था कि जिनसे मोहब्बत हो क्या वो इतनी आसानी से फरामोश हो सकते हैं? जी, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए बाज दफा इनकी यादों को साइड में रखना पड़ता है। वाह भाई, कौन है वो जिसने इतनी गहरी याद को साइड करवा दिया? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि चाय बनाने की जिम्मेदारी मुस्तकिल किसी को सौंप ही दूं। तो कोई मिला? जी नहीं, इतनी भारी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी एक दो साल की बच्ची के साथ। अरे मैं लूंगी ना जिम्मेदारी। जी मौला, आसमान से अंदर कैसे आए? कहाँ, घर में या तुम्हारे दिल में? मैं घर की बात कर रही हूँ। अरे मैं वहां से, पहले छोड़ो यार नाज सच्ची से बोलो मुझे जरा ब्लैक कॉफी तो दे दे। अब तुम्हारी ब्लैक कॉफी के लिए मैं नाज सच्ची को तो यहाँ नहीं बुला सकती। क्यों? अरे हाँ, ये तो तुम्हारा घर है ना। मैं कहूँ यार, इतने सुकून की नींद आई है मुझे, ना कोई शोर था ना कोई गुल था, आराम से सोते रहना, बेचारा दो घंटे और सो जाए। अच्छा ब्लैक कॉफी तो बना दो जानू, सो ही जाता हूँ भाई, ऐसी नींदें कहाँ नसीब होंगी मुझे फिर। तुम्हें नहीं पता कल रात क्या चवल मारी है मैंने, मैंने उस चाय पीने वाली मशीन को डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। भाई तू मान ना मान, मैं कोई अखीर बोंगी हूं। कुछ भी कहे रुकने नहीं दूंगा। आप कोई ड्रोन कैमरा है क्या जो हमेशा आसपास घूमते रहते हैं? कल रात से सो नहीं पाया हूं मैं। चाय का ओवरडोज हो गया होगा। नहीं, किसी के एक जुमले की वजह से मेरी रात की नींद उड़ गई है। यार आप तो बड़े इजी लोड निकले, एक जुमले पे ही ढेर हो गए। आपने जो लोड मेरे दिमाग में कर दिया ना, वो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। पर मैं निकल ली हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे रुके तो, चाय तो पिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैंने अभी कॉफी पी है मुझे। प्लीज पिए ना, मैंने बात करनी जरूरी है, मुझे सच में घर जाना है। रिक्वेस्ट करो ना, आ जाए प्लीज। आए ना, आए। ओके रूमी, उठो रूमी, पराठा बनाओ, मेरे लिए भूख लग रही है। क्या है? पराठा। इतनी सुबह? 7 बज रहे हैं यार, 8:30 बजे क्लास है हमारी। ओह नो, आज तो प्रोफेसर मुजाहिद की क्लास है। अरे छोड़ो प्रोफेसर मुजाहिद को, जाके किचन में जिहाद करो। लेकिन स्वीटू, मैं पराठा कैसे बनाऊंगी? आटे से, मैं कल लाया हूँ ग्रोसरी में। डफर, आटा तो मैंने कभी गूंदा ही नहीं। मैडम आप इतने टाइम से मुझे जो गूंद रही हैं, यार यूट्यूब खोल लो, ट्यूटोरियल मिल जाएगा। पराठे के बगैर मैं हिल नहीं रहा यहाँ से। स्वीटू, कोई स्वीटू वीटू नहीं। रूमी चलो उठ जाओ। मुसीबत है, एक तो भूख लग रही है, पटे स्वीटू। अच्छा और पराठा कड़क प्लीज। चल आकर दूंगी। गुड मॉर्निंग राजिया, मेरा मतलब है रजिया। आपको देसी घी की चूरी बनानी आती है?
साहब बनाई तो नहीं है कभी। चले अब बना लीजिएगा। देसी घी की चूरी खानी है ना तो अपने घर चले जाओ सफू चाची के पास। अरे घर जाने की क्या जरूरत है, मैं फोन पर रेसिपी पूछ के बता दूंगा। रेसिपी तो तुम पूछ लोगे लेकिन वो मोहब्बत कहाँ से लाओगे जो वो चूरी में गूंद कर खिलाती थी घर के सारे बच्चों को। रजिया मुझे भी चाय दे दें आप, मैं पूल साइड पर हूँ। जी मैं बना देती हूँ। मुझे चाय दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। ये ले सफू भाभी चाय। अरे वहीं रख दो। आपको क्या हो गया? अरे नाज ऐसे हॉल उठ रहे हैं खाली खाली घर को देखकर। हाय वैसे सच कह रही हैं। छोटू की तो बात समझ में आती है, ये नैनदारों को क्या सूझी? अरे बाबू भैया बता रहे थे वो बहुत परेशान थी तारा फेल होने पर। मुझसे ज्यादा क्या परेशान हो सकती है, इतना शानदार सैलून छोड़ना पड़ा था मुझे। अरे छोड़ो तुम भी, मुझे तो लगता है नजर ही लग गई हमारे घर को किसी हासिद की। सही कह रही है, मैं तो कहती हूँ नजर लगती है। हाँ तो तुम तोड़ भी तो कुछ ढूंढो ना। मैं कोई वजीफा ढूंढती हूँ इसके लिए। करो जल्दी। अच्छा आप परेशान ना हो ना, आ जाएंगे बच्चे वापस इंशाल्लाह। जरा एक सेब तो काट दे। अब तुम चाय के साथ सेब खाओगी, एसिडिटी नहीं होगी तुम्हें। वाह आप तो बिल्कुल डॉक्टर हो गई अपनी बहू की तरह। तुम भी बन जाओ। एक बात हो, आप कॉन्फिडेंट और दुनिया को जो ना चुटकी मोड़ाती भी अच्छी लगती है, सो बी कॉन्फिडेंट। और मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही है। देखिए आपकी जो दिल में है ना वही चेहरे और जबान में, यही बात तो मुझे आपकी अच्छी लगी थी। नहीं 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 मैं, अरे मैं यूं ही कहती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, आप सीरियसली मत लिया करें मुझे। सॉरी यू आर लेट। मतलब? मतलब ये कि कल रात की बात को मैं सीरियस ले चुका। रात गई बात गई, छोड़ दे खत्म करें इस बात को। बात को नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कुछ छोड़ सकता हूँ। आप मुझे घर छोड़ दे, इस टॉपिक पे हम दोबारा बात ही नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रही है, यहाँ एक कप चाय तो बनती है। यहाँ की कोई खास बात है क्या? हाँ मैं अपनी मिसेस शुमाइला को पहली दफा यही लेकर आया था। ओके अगर आप हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहे हैं तो कर ले। परफेक्ट। एक्सक्यूज मी। वाह 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 बड़ी खिदमत है। हां चुप बंद करो, मैंने लाइनर तक नहीं लगाया, स्विच चुप बंद करो उसको। वाह वाह वाह। कैसे बनते हैं ये बल वाले पराठे? जैसे बल डाल के मुझे लेके आई हो वैसे बना दो। फुजूल बातें करने के बजाय तुम अगर ऑमलेट के लिए प्याज काट दो ना तो बेहतर होगा। यार मैं कुछ नहीं काट रहा रूमी, प्लीज जल्दी पराठा बना के दे दो यार। तुम्हें पराठा खाना है या नहीं? पराठा खाए बगैर मैं हिलूंगा भी नहीं यहाँ से, चाहे क्लास में सो जाए। तो नहीं हम कोई कुक क्यों नहीं हायर कर सकते? रूमी हम दोनों की टिकटॉक की कमाई से चल रहा है घर, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कुक यार। क्या हुआ? पागल चल गया, दिख नहीं रहा तुम्हें? अरे कोई क्रीम पड़ी है यहाँ पे, मुझे क्या पता। और रूमी मैं कह रहा था नहीं होते शेफ घर पे चची बना लेती थी पराठा। क्यों लगा लो पागल को, आग क्यों लगा लो? एक सेकंड। पराठा लगाओगे? और कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम जाने भाभी को कॉल करो ना। अरे और फजूल में मैं तुम्हारे लिए पराठे बना रही थी। सही हो? नहीं यार। तुम्हें कल रात वाकई पता नहीं चला मैं कब आया? मुझे बस ये पता चला कि मैं रात में यहाँ कैसे आई हूँ। चलो शुक्र है तुम्हारे बहाने कुछ दिन मेरे भी सुकून से गुजर जाएंगे यार। तुम किस खुशी में रहोगे यहाँ? अकेले आयरलैंड जाने की खुशी। हाँ हाँ शु कैसे हो? क्या कैसे चल गया हाथ? अच्छा तुम फिकर मत करो मैं फौरन आ रही हूँ। क्या हुआ?
वो रूमी का हाथ जल गया, फौरन जाना होगा। ये नाश्ता मुझे बाद में दे देना यार। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? मैं हमतन गोश हूं। मन्नू को मैं संभाल लूंगा, क्या मेरी चाय की जिम्मेदारी आप ले लेंगी? सोचूंगी। देखें, मैं आपके घर के बाहर से हटूंगा नहीं जब तो आप जवाब नहीं देंगी। जवाब ही तो नहीं देना चाहती। इसका मतलब मैं हाँ समझू? अब चाय आ गई। थैंक यू। चलें आज देख लेते कि आपकी चाय में क्या बात है। गरम है चाय? गर्मी अच्छी होती है। देखिए मैं सिर्फ दिमाग की गर्म हूँ, चाय मैं ठंडी पीती हूँ। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। अब समझ में, आप नशे ही कैसे हैं? तो तुम्हें जरूरत क्या थी पराठा बनाने की? इस नवाब साहब को चाहिए था पराठा नाश्ते में। इस नवाब साहब को पिछले 19 साल से यही मिला है नाश्ते में। इसको नहीं बनाना आता तो मेरा क्या कसूर है? बुरी बात है आशु, ऐसे नहीं कहते, रूमी सीख लेगी। बड़ा शौक था इसे अकेले रहने का, अब इसे बोले कि संभाले अपनी सारी जिम्मेदारियां। अच्छा बस ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, ये चंद घंटों के अंदर डिप्टी नजीर अहमद की असगरी नहीं बन सकती है। अकबरी तो बन गई, हाल देखा है घर का आप लोगों ने? तो तुम समेट लो, तुम्हारे हाथ कौन से टूटे हुए हैं? सॉरी भाई, इन हाथों से कभी अम्मी और चची ने ऐसा काम नहीं करवाए, मैं बाहर की जिम्मेदारियां संभालूंगा। आशु यहाँ पे चचीज नहीं है ना, तुम दोनों को सारे काम मिलजुल कर ही करने होंगे। काफी ये मिलजुल के रहने की जो साइंस की अहमियत है ना, ये अक्सर लोगों को बाद में जाके समझ आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घरों में जो घने सायेदार दरख्तों जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी मोहब्बत भरी छाओं का अंदाजा हमें प्रैक्टिकल लाइफ की धूप में जाके होता है। रूमी चलो, किसी ने तो ये बात सीखी। तुम दोनों यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जा रहे हो क्या? छुट्टी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ना कपड़े प्रेस हैं, ना घर सेट है, और नाश्ता तो खैर ढंग का मिल ही नहीं रहा। अच्छा इधर, अगर तुमने बदतमीजी की ना रूमी के साथ, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं घर से। हाँ देखिए चांद भैया, इसने मेरी आटा गूंदने वाली वीडियो भी लगा दी है। वीडियो छोड़ो, तुम लाइक्स देखो, 40,000 लाइक्स एक घंटे में। दिखाओ, मैं डालती ना तो ज्यादा आते। अरे स्टार हो तुम, माना स्टार है भाई मेरी चिट्ठी। मैंने कभी गुरूर नहीं किया। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। चलो हॉस्पिटल के लिए मुझे देर हो रही है। रूमी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू भाभी। मैं भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, चलो। छोड़ के आ रहा हूँ। जाओ। भी डालती हूँ, मेरे भी लाइक्स आएंगे। एक बार फिर सोच लो तारा। ये सोचने वाला काम तुम क्यों नहीं कर लेते सारे? तुम 6 महीने बाद भी तो एग्जाम्स देने पाकिस्तान आ सकती हो यार। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम वही कर रही हो जो कई साल पहले तुम्हारी मम्मा ने पापा के साथ किया था। मामा उनके खानदान के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उनको अपनी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस चाहिए थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तारा मैं तरस जाता हूँ तुमसे बात करने के लिए यार। सारे तुम पहले भी तो ऐसे ही बातें किया करते थे ना, तुम घंटों मेरे ओटी और ओपीडी के बाहर बैठा करते थे, तुम भूल गए हो? हाँ लेकिन अब मेरी तुमसे शादी हो गई है। तो क्या तुम मुझसे नहीं बैठा जाता घंटों यार यहाँ पे? मैं नहीं कर सकता इंतजार बस। तो फिर मान लो कि तुम शादी के बाद बदल चुके हो। चलो मान लेते हैं मैं बदल गया हूँ, तो अब तुम बदल लो अपने आप को मेरे लिए। हर बार औरत ही क्यों चेंज करे, मर्द क्यों नहीं चेंज कर सकते खुद को? बिला वजह की बहस कर रही हो तुम, बात मेरी और तुम्हारी हो रही है, तुम औरत और मर्द को बीच में ले आई हो। मुझे कोई बहस नहीं करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओके बाय। ये रिपोर्ट साथ जाके डॉक्टर शबीर को दीजिएगा। Yes. जी आप 5 मिनट बाद कॉल कर लीजिए, यहाँ पे भी डेस्क पे कोई है नहीं।
यार कसम से कितना सुकून है इस घर में, परिंदों की आवाजें भी आती है। मैंने लाइफ में पहली बार कोयल की आवाज सुनी है, बताओ। कौओं की कहकहे ही आती है यहाँ। वो लॉन में मच्छू के बैंड वाली भी नहीं है जिनकी ढमढम से दिमाग में दर्द हो जाता था यार। चार दिन बाद ना इस घर में तुम्हारा दम घुटने लगेगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे देखो ना यार कितने मजे, मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ, रोमांस कर सकता हूँ। एक इंसान से बंदा कितनी बातें कर सकता है? अरे मैं कर सकता हूँ तुमसे सारी जिंदगी। चार दिन बाद ना तुम्हारी सारी बातें खत्म हो जाएंगी और फेड अप हो जाओगे तुम। तारा बीबी ये टिफिन आया है सारिम साहब के घर से। अच्छा तो सारिम साहब को दे दे। चले मैं दे दे। मेरे घर से क्या है? अरे देसी घी की चूरी, तुमने कहा था सफर चची को क्या? माओ से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, मैंने किससे कुछ नहीं कहा है। क्या हुआ? आप हाशु और चांद भैया को लेके परेशान हो रहे ना, उदास हो रहे ना? मैं क्यों उदास होने लगा? आप चांद भैया को कॉल कर लेना कि वो आ जाए वापस। कोई उसको कॉल नहीं करेगा, तारा परेशान है, कुछ दिन उसको वहां रहने दो। ये मास्टर तुम्हें क्यों बार बार कॉल कर रहा है? पता नहीं। नंबर तो बिजी जा रहा है। हाँ बिजी जा रहे, छोड़े ना, पता नहीं। आ गया। माला कैसी हैं आप? कल रात से तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्या वाकई आप सारी जिंदगी के लिए मेरी चाय बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं? तू चांद और मैं तारा।